नमस्ते, नीलू की रसोई में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है मीठा पकवान, स्वीट स्नैक्स, जो कि आप कहीं भी सफ़र में बना के ले जा सकते हैं और एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको पकवान भी बोलते हैं, मीठा। और ये सूजी और मैदा से बनाते हैं, बहुत ही खस्ता बनी है और आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने रवा ली है, कोई भी आप कटोरी, कोई भी नाप रख लीजिए। दो कप मैंने ये सूजी ली है, अब दो कप मैदा लेंगे, ये मैंने अब दो कप मैदा ले ली है। आप मैदा की जगह आटा भी डाल सकते हैं, गेहूं का। और ये मैंने देसी घी ली है, घी देने से बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी दे सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी मिलता है और खस्ता भी होता है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। घी इतना देना चाहिए ताकि ये मुट्ठी में बांध के दिखा रहे हैं ना, कम से कम वैसा होना चाहिए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। दो कप मैदा, दो कप सूजी डाली है, तो चीनी तीन कप डालेंगे। मीठा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ज़्यादा मीठा देने से थोड़ा कड़ा भी हो जाएगा। ये मैंने तीन कप चीनी डाल दी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब चीनी को पानी में भी घोल करके डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नारियल घिस के दे देंगे। और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के मिला करके थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे पूरा, ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए। और सूजी है तो वो भी फूलेंगे। आप इसको कहीं भी बना करके रख सकते हैं एक महीने के लिए स्नैक्स के रूप में। भूख लगे तो ये खा सकते हैं, कहीं सफर है तो ले जा सकते हैं, ट्रेन हो चाहे कहीं भी हो, एक महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे।
थोड़ा करा आटा के जैसा दो तैयार करेंगे और इस तरह से गोली बना लेंगे। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने डाली है, दिखा नहीं पाई। अब ये चकले पर लेकर के इस तरह से हथेली से दबा के गोल बना करके उसको आधे आधे कट कर देंगे। ये गोल भी रख सकते हैं पकवान के जैसा, ठेकुआ के जैसा, और इसको कट भी कर सकते हैं जैसे बच्चे की भी पसंद होती है, बड़े की भी पसंद होती है। तो आप इसको तरह तरह के शेप में बना सकते हैं। इस तरह से बेलन से बेल करके थोड़ा और कट कर लेंगे, जैसे निमकी बनाते हैं उस ढंग से, उस टाइप का भी। अब तेल गरम करेंगे, रिफाइंड ऑयल मैंने डाली है। अब हम इसमें एक एक करके तलेंगे। और बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे, जितनी धीमी आंच पे पकाएंगे खस्ता बनेगी मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से सारे स्नैक्स को मैंने तल लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी अंदर से खस्ता। और ये अब हम गोल गोल ठेकुआ के जैसा देंगे, वो भी निकाल लिए। इस तरह से सारे पकवान को तल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिल जाएंगे दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।